भूमि अर्जन अधिनियम 2013 जनवरी 2014 से लागू हो गया, लेकिन पार्क और अभ्यारण्य के लोगों के विस्थापन, उनके अर्जन की कार्रवाई इस कानून के तहत नहीं हो रही। ये सब हो रहा है 1894 के समाप्त हो चुके भूमि अर्जन कानून के तहत। पार्क और अभ्यारण वालों को वन अधिकार कानून के धारा 4 के तहत आज भी उनके अधिकारों का सत्यापन नहीं हुआ, उनके अधिकार उनको मान्यता नहीं दी गई और उनको बेदखल किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में पार्क और अभ्यारण के लोगों को जिन जमीनों पर लाकर विस्थापित किया, वो ज़मीनें भारतीय वन अधिनियम की धारा 4 में अधिसूचित भूमियाँ हैं, जिनकी 5 से 19 तक के जाँच लंबित है। उन विस्थापितों को कृषि भूमि और आबादी भूमि के आज भी पट्टे नहीं मिले हैं, उन्हें पट्टे मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि ज़मीनें निर्धारित नहीं है कि ये पट्टे वन विभाग देगा या राजस्व विभाग देगा। पार्क और अभ्यारण्य के रहने वालों के साथ आज़ादी के पूर्व भी अन्याय हुए थे, आज़ादी के बाद से भी अन्याय हुए हैं, और वन अधिकार कानून लागू होने के बाद भी लगातार अन्याय हो रहे हैं। शेर, चीता, बाघ, तेंदुआ, हिरण, चीतल, सांभर, इनका जमकर और ज़बरदस्त तरीके से वन विभाग ने शिकार करवाया। लाइसेंस बांटते थे जो वन विभाग की आय का जरिया माना जाता था। तो दोहरा खेल तो वन विभाग शुरू से खेलते आया है। इन वन्य प्राणियों के शिकार पर 71 में प्रतिबंध लगा। 11 जनवरी 1971 को मध्य प्रदेश शासन ने इनके शिकार पर प्रतिबंध लगाया। उसके पहले तक इन वन्य प्राणियों के शिकार की हजारों अधिसूचनाएं प्रकाशित हुई। 1947 में चीता को ये विलुप्त होना बताते हैं, अंतिम शिकार बताते हैं, 52 में विलुप्त होना घोषित करते हैं। तो 1970 तक के फिर राजपत्र में चीते की शिकार की अधिसूचनाएं कैसे प्रकाशित हो गई, कैसे चीते के शिकार के लाइसेंस बांट दिए आपने, इस बात को वन विभाग कभी नहीं बताता। अब शिकार से विलुप्त होते वन प्राणी और उनकी सुरक्षा का सवाल आता है। मध्य प्रदेश नेशनल पार्क अधिनियम 1954 के तहत 1960 तक वन्य प्राणियों की सुरक्षा और संरक्षण के नाम पे कान्हा पार्क, बांधवगढ़ पार्क और माधव पार्क अधिसूचित हुए। तो जब वन्य प्राणी विलुप्त हो रहे थे, उनकी सुरक्षा और संरक्षण की आवश्यकता थी, आपने 1960 तक 3 पार्क अधिसूचित कर दिए थे, तो 1971 तक आपने इन वन्य प्राणियों के शिकार के लाइसेंस क्यों जारी किए, अधिसूचनाएँ क्यों प्रकाशित हुई? ये सवाल दिल्ली में बैठे हुए वन्य प्राणी संरक्षणकर्ता अपने आप से नहीं पूछते, ये सवाल वन विभाग के अधिकारियों से नहीं पूछते। आज भी वन्य प्राणियों को लेकर उनकी सुरक्षा और संरक्षण का सवाल नहीं है, आज सवाल है वन्य प्राणियों को पर्यटन की वस्तु बनाने का। आदिवासी के रहने से वन्य प्राणियों को हानि होगी और पर्यटन को बढ़ावा देने से वन्य प्राणियों को हानि नहीं होगी, ये सोच स्थापित है। पहले वन्य प्राणियों के शिकार के नाम पे आदिवासियों पे अन्याय हुए, अब वन्य प्राणियों की सुरक्षा के नाम पे आदिवासियों पे अन्याय हो रहे हैं। इस देश की न्यायपालिका दोनों तथ्यों को एक साथ रखकर अभी तक के विचार भी नहीं कर पाई कि 1971 तक कितने वन्य प्राणियों के शिकार हुए, किस किस वन्य प्राणी के शिकार हुए, कब नेशनल पार्क बने और 1972 के बाद क्या प्रक्रिया अपनाई गई। आज की स्थिति में पार्क और अभ्यारण्य के में रहने वाले सरकार के और भी बहुत से अन्यायों का शिकार हो रहे हैं। शिकार की अधिसूचनाएं राजपत्र में हैं, प्रतिबंध की अधिसूचनाएं राजपत्र में हैं, इनको हटाए जाने की कार्रवाइयां भी सब शासकीय अभिलेखों में हैं। कौन करे लेकिन इसकी जांच, कौन बताए? जो समाज है वो इतना सक्षम नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पे आके सब बता सके, और सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है कि वो समाज के पास जाके कुछ पूछ सके। परिणाम, हमने न्याय किया है, तू माने या ना माने, तेरे पे तो लागू हो गया है। बस यही प्रजातंत्र है।